सो है गाइस, इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों का मोबाइल कहीं भी चोरी हो जाता है उस टाइम आप अपने जीमेल को लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, अपने जीमेल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो देखने पर आपका जो प्रॉब्लम रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जिसका मोबाइल चोरी नहीं हुआ है भाई, वो भी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि नेक्स्ट में अगर बाई चांस कभी आपका इन फ्यूचर अभी कहीं भी आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, कहीं चोरी हो जाता है, उस कंडीशन आपको जो प्रॉब्लम रहेगा यानी जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो पहले सीख लो, तो आपको बहुत काम आएगा आगे चल कर। ठीक है, तो दोस्तों पे बात करें, मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज किए थे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में मैसेज किए थे, भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया, उस कंडीशन में अपने जीमेल को रिकवर करना चाह रहा हूँ, तो जीमेल रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, जीमेल लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो आप लोगों को वही बताऊँ कैसे आप जीमेल को लॉगिन कर पाओगे, कैसे आप जीमेल को एक्सेस कर पाओगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई, कहीं आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो दोस्तों जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भाई ने कमेंट किया था मेरे को, यहाँ पे एक मैसेज किया था, भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया, यहाँ पे मतलब पासवर्ड नहीं है तो क्या करें, मतलब यहाँ पे कुछ बताया था। तो भाई यहाँ पे देखो, अगर आपका मोबाइल कहीं भी चोरी होता है ना, तो उस कंडीशन आपका जीमेल आधा होता है ना, तो उस टाइम क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल का जो पासवर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे अगर वैसा कुछ होगा तो यहाँ पे देखो, मतलब कि आप लोगों को देख किसी का भी मतलब यहाँ पे मोबाइल अगर चोरी हो जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल अगर आपका चोरी हो जाता है, कहीं भी गुम हो जाता है ना, उस कंडीशन आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपका मोबाइल कहीं चोरी हो गया, ठीक है, आपको जीमेल याद है तो अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप मेरे को समझ लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझ लो कि मेरा जीमेल है, यहाँ पे मेरे को जीमेल तो याद है लेकिन मेरे को पासवर्ड याद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने अपने जीमेल तो डाल दिया, पासवर्ड मेरे को याद नहीं, तो यहाँ पे पासवर्ड जो है फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, हर किसी को पता भाई पासवर्ड फॉरवर्ड करने नहीं, पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे देखोगे कि आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंटर या पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो जो पासवर्ड आपको पहले रखे थे, लास्ट पासवर्ड जो भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड पे आप क्लिक करके यहाँ पे जो भी आप रिकवरी ईमेल दिए होंगे, वो आपका रिकवरी ईमेल पे आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है कि जो ओटीपी जाएगा वो यहाँ पे ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मोबाइल चोरी होता है भाई, उसी में जो हम लोग रिकवरी ईमेल होता है, उसमें जो हम लोग पर्सनल ईमेल होता है, वो दोनों मतलब एक ही मोबाइल में होता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, उस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, मैं आप लोगों को जो जिसका मोबाइल चोरी नहीं हुआ उनके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अभी आपका कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल है ना, तो उस पर आप जो भी रिकवरी ईमेल डाल रहे हो ना, उस रिकवरी ईमेल में आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन कभी भी लगा कर नहीं रखना है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन कभी भी लगा कर नहीं रखना है, अगर लगा कर रखते भी हो तो आपको दो मोबाइल पे लॉगिन करके रखना है, जो आपका इंपॉर्टेंट जीमेल है वो रखिएगा, तो ठीक है, नहीं रखिएगा तो आपको जो रिकवरी ईमेल है वो दो मोबाइल पे आपको लॉगिन करके रखना है। इन फ्यूचर अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, कहीं खराब हो जाता है, उस कंडीशन आप क्या कर सकते हो कि आप अपने रिकवरी ईमेल के थ्रू से मेन जीमेल को रिकवर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, अपने जो अपना जो ईमेल रहेगा, ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, टू स्टेप वेरिफिकेशन जाएगा आपका जीमेल पे, जीमेल पे ओटीपी डाल दोगे, आपका मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन जाएगा वो डाल दोगे, आपका जीमेल लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक ही फोन है, जैसे कि समझ लो मेरा फोन है, इसी में मेरा रिकवरी ईमेल जो है यहाँ पे सेव है, इसी में मेरा इंपॉर्टेंट ईमेल सेव है यानी कि लॉगिन है, अरे ये मोबाइल कहीं मतलब गुम हो जाता है, तो मेरे को दोनों ईमेल को रिकवरी करना पड़ेगा, और रिकवर करेंगे तो मेरा जो ईमेल वाला जो ओटीपी रहेगा इसी में जाएगा, मोबाइल नंबर लग चलो मोबाइल नंबर लग तो ओटीपी हम लोग नया सिम चालू करके उस पर हम लोग ओटीपी ले लेंगे, लेकिन जीमेल वाला हम लोग कहाँ से ले पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ भाई, कि अगर आपके पास ईमेल है तो दो मोबाइल पर लॉगिन करके रखो, अपने दोस्त को मोबाइल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मेरा यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पे मैं अगर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ ना, यहाँ पे जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ तो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे पासवर्ड जो मतलब फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा ना अपना मोबाइल का भी पासवर्ड, तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मेरा इसी फोन पे जीमेल है, मैं पासवर्ड भूल गया कोई दिक्कत नहीं, इस मोबाइल पे मेरा लॉगिन है, तो यहाँ पे इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका मोबाइल रिसेट हो गया ना, तो उस कंडीशन आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को पासवर्ड तो पता नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे जाएगा ओटीपी जो आप रिकवरी जीमेल दिए हो, तो उसका अगर सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, आपको रिकवरी ईमेल को सबसे पहले जो है आपको रिकवरी ईमेल को रिकवर करना है। ठीक है, अगर वो रिकवर हो जाता भाई, तो आपका इंपॉर्टेंट जीमेल जो है वो रिकवर बहुत ही इजी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस जीमेल पे मेरा ओटीपी जा रहा है, इस जीमेल पे ओटीपी जो जाएगा, मैं ओटीपी यहाँ पे डाल दूंगा, तो मेरा जीमेल पे लॉगिन सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा जीमेल तो भाई है नहीं, तो आपको इंपॉर्टेंट जीमेल जो है वो आपको रिकवर करना है, सबसे पहले यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, तो आपको मतलब यहाँ पे हो जाएगा। चलो यहाँ पे भाई मेरा जीमेल तो मेरे पास नहीं है, जीमेल भी मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ ट्रेन अदर मतलब वाई पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार कि भाई आपका जो अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम अगर होता है ना, तो यहाँ पे देखो आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप YouTube से नहीं होता होगा तो ट्विटर से मतलब YouTube को जो है ट्वीट कर सकते हो, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है भाई यहाँ पे जो है कुछ रिकवर होने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा भाई कि बहुत सारे लोग का चैनल देखा, मैंने खुद का भी जीमेल यहाँ पे देखा ट्राई करके, यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मेरा तो उस पर यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता भाई मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते, मैं यूट्यूब से बात करके देखूंगा अगर आप लोगों का चैनल पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल बहुत सारे लोग का जो मोबाइल चोरी हो जाता है, उस कंडीशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीमेल होता है, बहुत
सारे इंपोर्टेंट चैनल होता है, बड़ा बड़ा चैनल होता है, उस कंडीशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को पासवर्ड तो यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेन आधार पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन देखने मिलता है वो भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ पे आप वही कर सकते हो भाई कि यहाँ पे अगर आपका जीमेल रिकवरी ईमेल है उसे आपको रिकवर करना सबसे पहले, और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड आपको पता नहीं है, पासवर्ड पता भी है ना तो यहाँ पे डालोगे तो आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पर ओटीपी डाल दोगे तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जीमेल जो रहेगा ना, जीमेल आप लोगों को वही बताया भाई कि अगर आपका मोबाइल कहीं भी चोरी होता उससे पहले आपको दो मोबाइल पर जीमेल को लॉगिन कर लेना, जिसका मैं अभी इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है भाई। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं हो सकता है यूट्यूब से मतलब हेल्प लेकर देखूंगा, खुद से मैं ट्राई करके देखूंगा, अगर आप लोगों का जीमेल अगर रिकवर होता है तो यहाँ पे मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सोचता कोई भी जीमेल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एक बंदा का था अवेलेबल तो उसका मैंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, भाई यहाँ पे रिप्लाई अभी नहीं दे रहा, क्योंकि इसका भी जीमेल मेरे को रिकवर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत परेशान है ये भी, तो इसको मैंने मैसेज किया। ठीक है, मैंने सोचा कि इसका मैं वीडियो भी बना दूंगा भाई का, यहाँ पे देखोगे कि इसका वीडियो भी बना दूंगा और इसका जीमेल भी रिकवर कर दूंगा, लेकिन भाई यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बाद में कभी मतलब भाई अगर रिप्लाई देता तो मैं वीडियो भी बना दूंगा और यहाँ पे मैं रिप्लाई भी इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और वीडियो भी बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि दोस्तों को पता है कि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते थे। ठीक है।